अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? अक्सर आप कैसी हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूं, आप ठीक होंगे? एक भाई साहब ये सो रहे हैं, हमारी बच्ची वो सो रही है, इसको तो मैं उठा लेंगे। आयशा आयशा, बिरयानी आ गई, बिरयानी बिरयानी आ गई, बिरयानी बिरयानी नहीं खानी, उठ जाओ उठ जाओ। अभी हम लोग आए हैं चेरी बिरयानी पे, क्योंकि आज हमारा सूफी बिरयानी खाने का प्लान नहीं था। हमारा प्लान था कि चेरी बिरयानी खानी है। पिछली बार थोड़ी सी ना वो चेंज थी, चावल में कोई मसला था। सूफी बिरयानी का टेस्ट थोड़ा सा अलग लग रहा था। पहले हमने ये भी सोचा था कि हम लोग लाहौर पहुंच के सेवर का पुलाव लेने, लेकिन फिर सेवर का पुलाव तो रेगुलर मिलता रहता है, वो तो कल परसों भी दिल करे तो बंदा जा खा सकता है। ये चेरी पे बार बार चक्कर नहीं लगना, हमारे जाने तक भी बंद हो जाना था। लेकिन अगर नहीं भी बंद होता ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आज यही बिरयानी खाने का दिल कर रहा था। अभी मैंने दो बॉक्स जो वो पैक करवा ली, रात को जब हमें घर जाके भूख लगेगी हम लोग तब खा लेंगे। एक जो है मैंने कहा कि आप प्लेट में इधर ही सर्व कर दे, हम इधर ही खा लेते हैं गाड़ी में बैठ के। बेगम 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 बेगम, ठीक है भाई, शुक्रिया। ये पकड़े अक्सा ने अब्दुल्ला को पीछे लिटा दिया, क्योंकि उसको ना दूध शूध दे दिया अक्सा ने लिटा के। लेकिन भाई साहब सो नहीं रहे, कहता गोद में बैठना, यही सीन कर रहा है। अभी अगर पूरी खा सकती है तो जो दो डब्बे पैक करवाए मैं अपनी एक अलग मंगवा लेता हूँ। नहीं, पूरी नहीं खा सकती, आपने मेरे साथ ही खानी है। बाकी बिरयानी की खुशबू और बिरयानी का टेस्ट इतना मजे का, मैंने तो पहली बार ट्राई की है। हाँ जी, कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चे को बिरयानी? फिर उठ गया मेरा बच्चा, छोया हुआ है, कैसी लग रही? डन डन जी, अक्सर हमने जला सूप पीने जाना है सर्दियों का, ठीक है ना? फिर हमने अपने बच्चे को वहाँ से क्रैकर्स भी साथ लेके देने, ठीक है? क्रैकर खिलाएंगे आपको। जब भी मैं इस तरह टोल प्लाजा पे पहुंचता हूँ ना, आयशा को पता क्या लगता है कि पापा ना मेरे लिए यहाँ से पर्ची लेने लगे हैं। मुझे कहती है मेरे लिए पर्ची लेने लगे। मैंने कहा आपके लिए नहीं लेते, ये टोल प्लाजे की होती है। ये लो ठीक है, ठीक खुश कितनी होती है इसके लिए। बादल जी, अभी अभी हमने गुजरांवाला क्रॉस किया है, पहले पर्ची बोल रही थी, साथ हमने नहीं कहा, खुद ही कहती टिकट। आपने टिकट क्या लेके दिया? मैंने आपको टिकट लेके दी है, खुश हो रही है उसको पकड़ के। बाकी हम लोग बिल्कुल स्लो जाते हैं, सही बात है, 60 की स्पीड पे, क्योंकि हमें घर जाने की भी जल्दी कोई नहीं होती और दिल भी ये होता है कि राम राम से ड्राइव करते जाए। हाँ, मैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहा हूँ, अक्सा अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। ड्यूटी क्या है अक्सा की? अक्सा ने चेक करना 0-0 मीटर हुआ है, 2000 का पेट्रोल पूरा हुआ है क्या नहीं हुआ। देखे देख ही नहीं रही, ड्रेस से पक्की होके वहाँ पे देख हो गया 2000 का पूरा। 7 लीटर का पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 3 रुपए फिर बढ़ गया। वही ना, मैं कह रही हूं कम होने की जगह बढ़ गया। क्या रेट आ रहा है? अंकल ने पूरा बंद ही नहीं किया। 278। अलीपुर से निकलते हुए मैंने सारी स्क्रीन साफ की थी, ठीक है, और यहाँ पहुंच तक सारी जितनी भी ना स्क्रीन गंदी होगी दोबारा गाड़ी की, गंदी हो जाती है गाड़ी। अब लाइन तो जो मैं एमटेक वाली क्रॉस करके आया हूँ ना अक्सा, वो तो मेरे ख्याल से कैश वाली थी, वो खुल भी गई थी। अच्छा, नहीं मतलब कि एमटेक वाली थी। और मैं आ गया हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही, मतलब ये वाला साइड का मुझे पता नहीं, कम बैलेंस होने का चलान किया जाएगा जी। हाँ, हमारा चलान तो नहीं होने वाला, वो इजी पैसा मैं चेक करता रहा, लेकिन वहाँ से बैलेंस डाल ही नहीं था रहा अंदर, पर पता लग जाते। वैसे मैं जब वहाँ से क्रॉस करने लगा था 170 आया था ऊपर बैलेंस, अभी पता चल जाएगा कितना बैलेंस है अंदर, बैलेंस के नहीं है। शुक्र है जी कि हमारे अंदर बैलेंस में 170 रुपीस अवेलेबल थे, हमारा कोई चलान वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं घर जाकर कोई यूट्यूब से वीडियो निकाल के ना मैंने इजी पैसा से ढूंढा, मुझे ना मिल नहीं रहा पर कौन से वाले ऑप्शन पे जाके ना इस एम टैग के अंदर बैलेंस डालना, बस आपने मुझे घर जाकर याद करवाना है। अभी तो पूरे हो गए हैं ना, और भाई साहब ने पीछे रोला डाला पड़ा अब्दुल्ला ने, बट आगे भी नहीं बैठ रहा इधर, फीडर भी दे रही हूं, फीडर भी नहीं मिल रहा, आगे भी नहीं बैठ रहा, याद आ रही नहीं पर पीछे भी जाकर वाले डाल रहा है। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाहौर पहुंच गए। मेरे ख्याल से हम लोग घर से निकले थे 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे में हम लोग 4.25 घंटे में जो है ना पहुंच गए हुए हैं, क्योंकि हम लोग वैसे बिल्कुल आराम आराम से आते हैं, दिल ही नहीं करता गाड़ी तेज चलाने का। और कोई चीज वगैरह तो नहीं अक्सर बाहर से लेनी? इनके दूध लेने हैं दोनों के, इन दोनों के दूध लेने, ठीक है पहले वहां जाके फार्मेसी इनके दूध ले लेते हैं। आयशा का छोटा पैकेट ले लेता हूँ, इसका बड़ा पैकेट ले लेता हूँ, और फिर घर चलते हैं। क्या क्या और क्या करें? अच्छा, घर पहुंचे कोई नहीं है, सुबह अलीपुर जाएंगे, पहले ही अलीपुर जाने के लिए फिर से तैयार बैठे, इसे घर जाना है। घर जाते मुझे लगता है इसे दुआएं करनी शुरू कर देनी है, हमारे साथ फिर कोई ऐसा सीन बने हमने दोबारा अलीपुर चले जाए। तो क्या के लेके आए थे ना कि हमने आ जाना फिर थोड़े दिन बाद हमने कहा था कि दोबारा आ जाना, पर अभी देखते हैं क्या सीन बनता है, कब दोबारा अलीपुर चक्कर लगता है। हम लोग घर वापस पहुंच गए, सारा सामान जितना भी मैंने ला के ऊपर रख दिया, बैग वगैरह मैंने कहा सारा कुछ जो है ना एक ही दफा में ले जाते, क्योंकि इतना ज्यादा सामान कोई नहीं था और मैं कोई ज्यादा थका भी नहीं था हुआ, तो पर सामान ला के ऊपर रखे। बच्चे लोग अभी सारे नीचे ही बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से अंदर ही गाड़ी में ना अब्दुल्ला का डायपर वगैरह शायद चेंज करी, मुझे ऐसा लग रहा था शायद वैसे ही बैठी होगी, मैं सारा सामान ऊपर ले जाऊँ तो फिर ही आएगी। हाँ जी, हो गए आपके मामला सारे सेट? इसके ना गाड़ी में इसको गर्मी लग रही थी, कपड़े उतार दिए थे दोबारा। अच्छा अच्छा, वो सॉक्स भी उतारे हुए हैं। हाँ, उतारे वो भी पहनाने। बाकी मैंने गाड़ी के पीछे सारा सामान निकाल लिया हुआ है, जो अब यहाँ पे बिरयानी के डिब्बे से भाई कैरी कॉट ऊपर ही लेके जाना है ना इसका। चले मैं ये भी छोड़ देता हूँ, आपने अगर निकलना है तो आप लोग भी निकले।
हाँ इसको एक बार ले जाते हैं ऊपर, आप वॉश वगैरह कर लेना, फिर हम लोग ले आएंगे। ये भी कुछ चीजें वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ में। हाँ आप लोग निकले, मैं सारा सामान ले गया हूँ ऊपर बोल के, चाबी ऊपर ही रख के जाने लगा था, सारा सामान ला मेरी जगह रख दिया। अभी एक साथ आके देखेगी, ओ ये तो भाई साहब अकेले ही आ रहे हैं अभी तक हैं, मैंने आपको ले जाना था, आप ऐसे ही अकेले जा रही हो। चलो चलो जाओ, फिर मैं ऊपर जाऊँगा, जब आप पहुँच जाओगी ना फिर मैं जाऊँगा, जल्दी करो जाओ। एक ये पहुँच गई ऊपर, अपने शूज इधर उतार के जाने हैं, ठीक है मामा से पहले पूछ लेना। और दूसरी ये आ रही है, पानी नीचे पड़ा मैं ले आता हूँ, नीचे पड़ी मैंने पानी की बॉटल में ले आता हूँ, आप लोग जाएं ऊपर। सामान सारा ना मैंने ला के इसके ऊपर रखा है, अभी सोफे पे पड़ा है, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से गाड़ी में कुछ भी नहीं ना रह गया वहाँ लेके आने में। हाँ वैसे तो मैंने बिरयानी के डिब्बों को हाथ लगाया, बिरयानी अभी भी काफी हद तक गर्म पड़ी हुई है, गर्म ही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ सीट के ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ था, इसकी स्टीम लगी हुई थी सीट में, मैं अभी हाँ, गाड़ी की सीटें साफ करके आया हूँ ना। अच्छा, घर पहुंच के पता नहीं इसको क्या लिपस्टिक लगा खड़ी हो गई है, वो भी इतने डार्क कलर की, ये इतना रंग लबा सी हो को नहीं रंग लबा। अभी बहरहाल हम लोग अपनी बिरयानी जो है गर्म करने लगे हैं, हमने दोनों में लेग पीस करवाए थे ये, इसलिए बस हम लोग साथ लेके आए थे बिरयानी। और बिरयानी देख के ना मैंने एक बोटी खाई है और इतनी मजे की लगी है ना, सही बात है इनकी बिरयानी का टेस्ट पता है किस तरह का अक्सर आता है। हाँ। आप बताएं अचार वाला, लेकिन बारबेक्यू सारी बात है, पीस जो बारबेक्यू के अंदर इस्मान उठाना है, अभी क्या करना है सुबह उठा लेना, सुबह अंदर चलते हैं जाके ड्रामे देखते हैं एलईडी वगैरह अंदर रख के, रायता शायता डालना शीट दे, मैं अंदर शीट लगाता हूँ, सुबह उठा लेंगे, सुबह उठते फर्स्ट टाइम उठा लेंगे, फिर अभी जाते हैं रूम में बैठते हैं आराम सुकून से। हाँ जी क्या कह रही हो, किधर जाएंगे सुबह? किधर? कोई नहीं जाना अलीपुर अभी, ना ना फिर ना दुआएं मांगना, ये बार बार दुआएं मांगती हो आप, अलीपुर जाना है। कभी कभी इस तरह होता है खड़ी हो गई अपने आप ही दुआ कर रही थी, डिफरेंट डिफरेंट दुआ ना पूरे दिन में घर में करती रहती है कि अल्लाह ताला मैं पानी पीऊँ, मेरा खांसी ठीक हो जाए, इस तरह की दुआ, अल्लाह ताला पापा को नई गाड़ी दे दे, इस तरह की सारी दुआएं इसकी चलती रहती हैं। खड़ी हो गई कभी कभी क्या कह रही थी, अल्लाह ताला मैं अलीपुर चली जाऊँ, ये कह रही थी, ये दुआएं मांग रही थी। पहले तो इसको मैं खुद दुआ करवाता था ना इससे, अब इसको सारी दुआ पता चल गया कि मैं ये दुआ मांग सकती हूँ, अल्लाह ताला मुझे ये चीज दे दे, अल्लाह ताला मैं ये कर लूँ, इस तरह करके दुआएं मांग रही होती है। मांगो दुआ, दुआ मांगो सर अलीपुर जाने की। और मैं आप लोगों को सच्ची बात बताता हूँ, आज मैं एक बात था तो अक्सा भी बताएगी, जो बार बार अलीपुर जाने का सीन है ना, ये सबसे ज्यादा आयशा और मेरा दिल करता है, ठीक है। अक्सा का दिल ये करता है कि मैं ज्यादा टाइम जो है ना अब घर में गुजारूं, ये पहले भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी सीरियसली, अभी भी आप लोग देख लिए गए, मतलब जो आपने पिछले व्लॉग देखे मैंने उसमें भी बताया था कि हफ्ता हो गया ये घर से बाहर नहीं निकली, कहती मैंने घर के अंदर है ना मेरा नहीं फिरने का दिल कर रहा, वो उधर मैं चले घर चले कल भी मैं घर जाके अली भाई था जान का प्लान है कोई नहीं, आप कहीं जानी जाना है। तो वाकई अक्सा जो है ना बार बार अक्सा का ये सीन नहीं कि अक्सा कहती हूँ कि मैंने जाना है, या अक्सा का बहुत जाने का दिल करता हो, लेकिन मेरा ज्यादा जो है ना वो दिल करता है, मैं कहती हूँ कि 6 महीने में एक बार जाना, ये 10 दिन नहीं, ये अभी आपके चक्कर ज्यादा लगे ना इसलिए 6 महीने में एक दफा नहीं जाना चाहिए, महीने में कम से कम हफ्ता जाना चाहिए। अब आयशा का आगे प्लान बना हुआ हमारा कि मार्च अप्रैल में जो है ना हमने आयशा का स्कूल में एडमिशन करवा देना, फिर उसके बाद किसने जाना है, कौन से चक्कर लगने हैं, बड़ा हुआ मेरे ख्याल से स्कूल से सैटरडे संडे की छुट्टी होती होगी, बस वो ही 2 दिन अंदर से जाके कभी चक्कर लगा लिया महीने में, लेकिन फिर ज्यादा मुश्किल हो जाना हमारे लिए। तो सीन ये है कि मेरा बहुत ज्यादा अलीपुर जाने का दिल करता है, मेरा दिल करता है वहां पे सामा लोग हैं उनके साथ जाके फिर जरा बाहर गपशप लगाऊं उनके साथ, तो ये वाले मामला आते हैं।